नमस्कार, मैं अनुष्का। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं देश दुनिया की 30 बड़ी खबरों की ओर। शिवसेना पर पकड़ बनाए रखने की उद्धव ठाकरे की कोशिशों को एक और बड़ा झटका लगता दिख रहा है। विधायकों के बाद अब सांसद भी बागी हो गए हैं। शिवसेना के 19 में से 12 सांसद लोकसभा स्पीकर से मिले हैं। माना जा रहा है कि इन सांसदों ने एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता देने की मांग की है। आधिकारिक जानकारी आना शेष है। इससे पहले शिवसेना के इन 12 बागी विधायकों को केंद्रीय मंत्रालय ने वाइस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में खाद्य पदार्थों पर टैक्स बढ़ाए जाने, विपक्षी नेताओं द्वारा बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है। उन्होंने विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि राहुल गांधी यदि वृद्धि का विरोध कर रहे हैं तो बताएं कि क्या राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्यों ने बैठक में इसका विरोध किया था। सोशल मीडिया पर खलिहर लोगों की भी कमी नहीं है। आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल करते रहते हैं जिसका न सिर होता है न पांव। दरअसल मामला ये है कि एक फॉर्म वायरल किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि भारत सरकार शराब की पाइपलाइन कनेक्शन हेतु आवेदन। इसके नीचे बकायदा नियम और कानून भी बताए गए हैं। इस मामले में PIB ने भी मजे ली है। PIB ने लिखा है कि चिल गाइज, अपनी आशाओं को अब इतनी भी ऊंचाइयों पर मत ले जाइए। श्रावणी मेला 2022 की शुरुआत होते ही कांवरिया पथ पूरे 2 साल के बाद फिर से एक बार केसरिया रंग से पट गया है। मौसम इस बार कांवरियों का साथ भले ही ना दे रहा हो, लेकिन भक्ति रंग में सराबोर कांवरियों का जत्था बेहद उत्साह के साथ कांवरिया पथ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कांवर यात्रा के दौरान गोडियारी नदी का इंतजार सभी कांवरियों को रहता है। गोडियारी नदी एक मनोरंजन स्थल से कम नहीं दिखता। आज भी कांवरिया यहाँ रुक कर अपनी थकान मिटाना ना भूलते हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान को अब केस में क्लीन चिट मिल गई है और NCB को भी आर्यन खान का पासपोर्ट लौटाने का आदेश दे दिया गया है। अब आर्यन खान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक पार्टी का वीडियो सामने आया है जिसमें आर्यन खान ड्रिंक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा ये लड़का आर्यन खान बताया जा रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में राष्ट्र विरोधी मुहिम में शामिल 2 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पूर्णिया स्थित PFI का दफ्तर जांच टीम के रडार पर है। सोमवार की सुबह से ही यहां यह चर्चा जोरों पर रही है कि पटना से पुलिस की विशेष टीम शहर पहुंच चुकी है। हालांकि कहीं भी छापेमारी की सूचना नहीं है। लाइन बाजार के राजबाड़ी स्थित PFI दफ्तर का मेन गेट बंद पाया गया, लेकिन अंदर दफ्तर का दरवाजा खुला था। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि बीते 3 सालों में 3,92,643 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है, जिसमें 2019, 2020 और 2021 में भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या क्रमशः 1,44,017, 85,256 और 1,63,370 है। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामे के भेंट चढ़ते नजर आ रही है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार सभी भारतीयों से अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा कराना और ध्वज के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक जनभागीदारी से घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल होंगे। संसद सत्र में आज विपक्षी दलों के सांसदों ने महंगाई से लेकर अग्निपथ स्कीम को लेकर जमकर हंगामा काटा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। लगातार नारेबाजी और सदन में तख्तियां लहराने से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों से मुखातिब होते हुए कहा कि आपने सवाल लगाए हैं लेकिन प्रश्न नहीं पूछना चाहते, आप तख्तियां लेकर आए हैं। अग्निपथ योजना पर हो रहे विवाद पर हो रहे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अग्निपथ योजना पर राजनीति करना दुखद है। उन्होंने कहा कि सेना में जाति और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं होती। भारत में निर्मित हथियारों और हेलीकॉप्टरों की दुनिया के कई देशों में मांग बढ़ रही है। फिलीपींस ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डील किया था। अब फिलीपींस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत में निर्मित उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टरों के एक बैच की खरीद की योजना बना रहा है। ये हेलीकॉप्टर भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। पूर्व भारतीय दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर विराट की मदद करने के लिए तैयार है। गावस्कर ने कहा कि मुझे शायद अंदाजा हो गया है कि विराट कोहली क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में किस परेशानियों से गुजर रहे हैं। सुनील गावस्कर ने सुझाव दिया कि विराट को ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन परेशान कर रही है, इसलिए मुझे उसे सिर्फ 20 मिनट बात करने को मिलता तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ।
उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे, लेकिन नामांकन के दौरान तृणमूल कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। देश में आबादी के एक बड़े हिस्से को सरकार की ओर से सब्सिडी पर राशन मुहैया कराया जाता है। हालांकि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें राशन नहीं मिला या अगर मिला तो उसका वजन ठीक नहीं है। सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लिया है। ऐसे में आप हेल्पलाइन नंबर डायल कर राशन दुकान चलाने वाले ऐसे लोगों की शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए nfsa.gov.in पर राज्यवार हेल्पलाइन नंबर की लिस्ट दी गई है। दक्षिण अफ्रीका में जनवरी 2023 से शुरू होने वाले T20 फ्रेंचाइजी लीग के लिए हुई टीमों की नीलामी में IPL फ्रेंचाइजीज ने बाजी मार ली है। IPL टीमों के मालिकों ने यहां सभी 6 टीमों को खरीद लिया है। फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। संभव है कि इस हफ्ते क्रिकेट साउथ अफ्रीका इस बारे में जानकारी साझा करे। जानकारी मिली है कि मुंबई इंडियंस ने केप टाउन टीम को खरीदा है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को जोहानिसबर्ग फ्रेंचाइजी हाथ लगी है। राज्यसभा के नव मनोनीत सांसद व एथलीट पीटी उषा ने मंगलवार को यहां भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। राज्यसभा सांसद मनोनीत होने के बाद पीटी उषा की नड्डा से यह पहली मुलाकात है। उन्होंने नड्डा से हुई मुलाकात में उनका और भाजपा का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण समय में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित की और अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। मंगल पांडे ने 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दिया था, जिसके बाद देश में विभिन्न स्थानों पर आजादी के लिए आवाजें उठने लगी थी। भारतीय मुद्रा रुपए की खस्ता हालत जारी है। आज मंगलवार को शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपए ने गिरने का नया रिकॉर्ड बना दिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पर जा पहुंचा। इसके साथ ही रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में यह डॉलर के मुकाबले 80.0175 पर कारोबार कर रहा था। केएल राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग में आकर टीम को फायदा पहुंचाते हैं, तो वहीं भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को इन दोनों के ओपनिंग में आने पर आपत्ति है। उन्होंने भारतीय टीम में ओपनिंग के लिए ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ के नाम सुझाए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि ऋषभ पंत ने अंडर 19 टीम से दिल्ली कैपिटल्स के लिए ओपनिंग की है, ऐसे में वह बतौर ओपनर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। सहवाग ने कहा कि ये ओपनर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। CBSE बोर्ड रिजल्ट 2022 का इंतजार कर रहे 34 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए काम की खबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की 10वीं और 12वीं की दो चरणों में आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के अंतिम परिणामों की घोषणा को लेकर सभी तैयारियां बोर्ड के सूत्रों के अनुसार पूरी कर ली गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि CBSE बोर्ड रिजल्ट 2022 डेट की घोषणा इसी सप्ताह के दौरान कभी भी की जा सकती है। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के मामले में मिली 2 साल की सजा मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दलेर मेहंदी की तरफ से दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। 19 साल पुराने मानव तस्करी मामले में पटियाला के ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में दलेर मेहंदी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद दलेर मेहंदी को जमानत मिल गई थी। भारतीय विमानन कंपनियों के विमानों में पिछले कुछ दिनों में लगातार आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को देखते हुए नागर विमानन महानिदेशालय सख्त नजर आ रहा है और विमानन कंपनियों से 10 दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर DGCA ने स्पॉट चेकिंग की तो विमानों में कई कमियां नजर आई। बता दें कि पिछले एक महीने में स्पाइस जेट के 8 विमानों में खराबी की घटनाएं सामने आ चुकी है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू होने से पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने 14,000 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जमा कराई है, तो वहीं अडानी समूह ने 100 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार भारतीय एयरटेल ने अग्रिम राशि के रूप में 5,500 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने अग्रिम राशि के रूप में 2,200 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गज सिंगर भूपिंदर सिंह का बीते शाम निधन हो गया। उनका जाना जैसे एक शाम को फिर उदास कर गया। वे 82 वर्ष के थे। पिछले कुछ वक्त से वे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी और गायिका मिताली सिंह ने ये जानकारी दी। उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी का अभी इंतजार है।
मध्य प्रदेश की धार के छोटे से गांव लबरवदा का एक आम सा लड़का जो कभी अहमदाबाद में मैकडोनल्ड्स में वेटर रहा, आज देश के नामी एंटरप्रेन्योर में से एक है। प्रफुल्ल बिल्लोड़े ने 20 साल की उम्र में अहमदाबाद में फुटपाथ पर चाय की टपरी डाली। चाय के ठेले से शुरू हुआ सफर 5 साल बाद एक ब्रांड बन गया, MBA चाय वाला। आज कानपुर, चंडीगढ़, सूरत, गांधीनगर, भोपाल जैसे देश के 22 बड़े शहरों में MBA चाय वाला की ब्रांच है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार की आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है तथा जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लोकसभा में एक गणेश मूर्ति के प्रश्न के लिखित उत्तर में नित्यानंद राय ने बताया कि आतंकवादी हमलों की संख्या में काफी गिरावट आई है और यह वर्ष 2018 की 417 घटनाओं से कम होकर वर्ष 2021 में 229 हो गई है। गो फर्स्ट की मुंबई, लेह और श्रीनगर दिल्ली उड़ान के इंजन में खराबी आने के कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने आज दोनों विमानों को उड़ान भरने से रोक दिया। अधिकारियों ने कहा कि DGCA दोनों घटनाओं की जांच कर रहा है और नियामक से मंजूरी मिलने के बाद ही दोनों विमान उड़ान भर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इंजन संख्या 2 में खराबी की सूचना के बाद गो फर्स्ट की मुंबई लेह उड़ान को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया गया। मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ ही राहुल गांधी भी शामिल हुए। महंगाई, अग्निपथ स्कीम आदि को लेकर मंगलवार को भी ये हंगामा जारी रहा, जिसके चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय सेना ने चीन से निपटने के लिए अब नया दांव अपनाया है। भारतीय सेना ने चीन से सटी सीमा यानी कि LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों को तिब्बत संस्कृति से लेकर तिब्बत के चीनीकरण तक के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए पहली बार तिब्बत कैडर तैयार किया है। इस कैडर के पहले बैच की 42 दिनों की खास ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। शुक्ला संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए 7 चुने गए हैं। उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल की शुरुआत करते हुए सोमवार को ही शपथ ली। BCCI के अनुसमर्थित संविधान के अनुसार कोई भी लोक सेवक एक साथ 2 पद पर नहीं रह सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया उनके नाम है रविशंकर, राहुल कुमार रानी, राजेश संथारिया, आलोक कुमार पासवान, डॉक्टर संजीव, जितेंद्र ठाकुर, होडिल पंडित, सिद्धार्थ कुमार, अखिलेश यादव, चंद्रभूषण, राजेश राज, नीतीश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों के जवाब कमेंट में देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार अब तक कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगवाया है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।